हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग? मस्त। चले आजकल देखिए स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने नीट 2021 का एग्जाम दिया है। अब इसमें किसी के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, किसी के मार्क्स खराब आ रहे हैं, किसी को उम्मीद है कि शायद कट ऑफ नीचे जाएगी, जो कि जाएगी, और उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, माना कि जिनका सिलेक्शन हो गया, इट्स वेरी गुड, लेकिन जिनका नहीं हुआ, डेफिनेटली जिनके मार्क्स 500 से कम आ रहे हैं, तो ऐसे ढेर सारे बच्चों का फोन आ रहा है, क्या सर हम लोन लेकर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से क्या हम MBBS करें? माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको इस बात पे विश्वास नहीं हो तो आप क्या करेंगे, दैट ऑल्सो आई विल लेट यू नो, बट बिफोर दैट लेट मी कंप्लीट वॉट आई want to say। जिनका MBBS में सिलेक्शन हो गया है और वो MBBS की डिग्री लेकर भी कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ MBBS का कोई वजूद आज की डेट में नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जिनका MBBS में सिलेक्शन हो जा रहा है उनको सीट मिल रही है, 600 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, 585 से ऊपर आ रहे हैं, तो उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। डेफिनेटली अच्छा काम किया, लेकिन आपकी जो MBBS की डिग्री होगी, जिसमें आप MBBS कर रहे होंगे, और आपने मान लिया कि सिर्फ MBBS की डिग्री इज सफिशिएंट, नो माय डियर स्टूडेंट्स, उस डिग्री का कोई वजूद नहीं है जब तक कि आप PG नहीं करते हैं, या आपके पेरेंट्स का कोई मतलब ऑलरेडी क्लिनिक नहीं चल रहा है, चल रहा है तब भी बाहर के जो पेशेंट्स आते हैं उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन MD चाहिए होता है, तो स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है। तो आप ये मान लीजिए जैसे कि आपने नीट की कोचिंग की डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से, ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट कोचिंग से, तो MBBS भी एक तरह से सिक्योर्ड कोचिंग है, मतलब इसमें रेपुटेशन बढ़ जाती है, लोगों का भरोसा बढ़ जाता है, आपको सिलेक्शन मिल चुका होता है, इसमें आपने एक एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया होता है। तो अब वो बच्चे भी इस बात को सुन रहे हैं मेरी, जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो सोच रहे हैं ये वीडियो तो आपने हमारे लिए बनाया और आप बात तो करे जा रहे हैं जिनका सिलेक्शन हो रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, जो ऑलरेडी MBBS कर रहे हैं उनसे पूछिए, जिनका सिलेक्शन आपका अगर नहीं हो रहा है, आप बच्चे लोगों का जिनका नहीं सिलेक्शन हो रहा है और जिनका ऑलरेडी हो रखा है और जो ऑलरेडी MBBS कर रहे हैं उनसे पूछिए कि कैसा लगता है, बोले नॉर्मल है, कोई ऐसा नहीं, अभी तो टेंशन है पोस्ट ग्रेजुएशन का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो लोग भी इस बार सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, 500 मार्क्स से आपके कम आ रहे हैं नीट 2021 के एग्जाम में, इफ यू आर गेटिंग लेस देन 500 मार्क्स, 500 या उससे कम मार्क्स आ रहे हैं, तो आप भी ग्रेजुएशन में उतर जाइए, आप खेत बेच के लोन लेकर प्राइवेट कॉलेज मत जाइए, डोंट गो टू प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज को कर दो मना, इस प्राइवेट कॉलेज की फीस 1 crore 1 crore देकर आप MBBS करोगे, आपका सिलेक्शन अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आए, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की या आपके साथ कोई हादसा हो गया, आप 1 crore रुपए देकर इस प्राइवेट कॉलेज में अगर जा रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स, तो भी क्या आप पोस्ट ग्रेजुएशन निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। इसका मतलब जब तक पोस्ट ग्रेजुएशन, जिनका MBBS में सिलेक्शन हो गया है, दोस हु आर गेटिंग सिलेक्शन इन MBBS by getting 590 or more marks, उन्होंने भी MBBS करना है, और उनके बाद MBBS करने के बाद उनको क्या करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, जो PG का एग्जाम क्वालिफाई करेगा, उसी का वजूद है, और आप तो 1 crore रुपए देकर इस PG में जाने लायक ही नहीं हो, क्योंकि आपकी तो उतनी पढ़ाई की आदत ही नहीं है, तो बिना PG के कोई वजूद नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। तो करना क्या है सर, हम अच्छे से पढ़ेंगे, हमारे घर वाले कह रहे हैं कि आप ग्रेजुएशन कर लो, BSc कर लो, तो कर लो BSc कर लो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके 500 मार्क्स आ रहे हैं या उससे कम आ रहे हैं, आप BSc कर लो। जब आप BSc में एडमिशन लोगे, अगर आपके अंदर जज्बा हुआ, आपके अंदर जुनून हुआ, तो BSc को भी आप ग्रेजुएशन मान रहे हो, और MBBS भी ग्रेजुएशन है, दोनों ही ग्रेजुएशन है माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी ग्रेजुएट और ये भी ग्रेजुएट, बस दोनों में डिफरेंस ये है कि जो रिश्तेदार हैं, जो दुनिया वाले हैं, या आप अपने आप को अगर यहाँ पर ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप सिक्योर्ड मानते हो, आप
दम लगा के कहते हो कि यस आई हैव क्वालिफाइड नाउ आई एम डूइंग MBBS, आपको लोग मानते हैं और इनको लोग उतना नहीं मानते कि भैया तुम सेलेक्ट नहीं हुए इसलिए तुम BSc कर रहे हो, तो आपको दम रखनी पड़ेगी कि अब BSc करते समय अंदर आपका जुनून खून खोलता रहना चाहिए, दम बनी रहनी चाहिए, हाई विल पावर रहनी चाहिए। कहते हैं ना, नथिंग अगेंस्ट स्टॉप ए मैन विथ हाई विल पावर एंड नो ऑब्स्टिकल कैन be the rukavat in your work if you are having high will power. This is an old saying but still true, nothing can stop a man with high will power, right? So all the obstacles will disappear and the means to its achievement will appear in front of you if you are having high will power. So if you are having high will power, aap graduation kariye science se, aur graduation ke baad my dear student CDRI, Central Drug Research Institute लखनऊ में है, इसी के सामने ITRC इंडियन टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, NBRI नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इतनी सारी चीजें हैं जिससे आप वेल रेनाउंड साइंटिस्ट बन सकते हैं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के वेल रेनाउंड साइंटिस्ट बन सकते हैं। आपको मान लीजिए साइंटिस्ट बनना है, आप साइंटिस्ट बन जाइए, इसमें चले जाइए, गेट का एग्जाम क्वालिफाई करिए और इस फील्ड में चले जाइए। नहीं बनना है तो आप JRF क्वालिफाई करिए, आगे जाकर पोस्ट ग्रेजुएशन करके BSc के बाद MSc करके MSc में अच्छे मार्क्स लाइए, JRF क्वालिफाई करिए, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप लेक्चरर प्रोफेसर बन सकते हैं, आपको वो भी नहीं करना है तो आप माय डियर स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन करके आप IAS सिविल सर्विसेज के लिए जा सकते हैं, आप PCS बन सकते हैं, आप IAS बन सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। जो MBBS करते हैं आपने देखा होगा, चाहे IITN हो या MBBS करते हैं, वो भी अपना सपना रखते हैं कि वो IAS का एग्जाम क्वालिफाई करें, यानी कि ये भी IAS देना चाहते हैं और आप भी BSc के बाद IAS देने के लिए एलिजिबल हो, तो डिफरेंस कहाँ रह गया? क्यों दिल छोटा करते हो? नहीं सिलेक्शन हुआ मत भागो, हमें लगता है कि अगर हमारा MBBS नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ। अरे माय डियर स्टूडेंट्स, ना खेत बेचो ना लोन लो, 1 करोड़ रुपए देने के बाद आप जानते हैं कितना कमाता है बंदा MBBS करने के बाद? इंटर्नशिप में उसकी मुश्किल से 50,000 सैलरी होती है, अगर दिल्ली चले जाओ तो वहां पे 1.25 1,25,000 मैक्सिमम होती है, बाकी अदर स्टेट्स में 50,000 से लेकर 80,000 मिलता है। आप हिसाब किताब लगा लो कि आप 1 करोड़ निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। फिर आपके पेरेंट्स कहें नहीं नहीं भाई हमें करोड़ नहीं निकालना है, हमें तो रुतबा चाहिए, हमारे बेटे की शादी अच्छी हो जाएगी, लाइक दैट। माय डियर स्टूडेंट्स, इतने के काम के लिए आप 1 करोड़ रुपए मत डालिए। अगर आपके अंदर जज्बा है, वास्तव में जुनून है, तो आप BSc कर डालिए माय डियर स्टूडेंट्स। नहीं BSc करनी है, आपका सपना अगर MBBS ही है तो आप ड्रॉप करिए और ड्रॉप करके दोबारा एग्जाम दीजिए। अगर आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर जिद है, तो फिर से एक बार उतर पड़िए और ड्रॉपर बनके, ड्रीमर बनके फिर से एक बार एग्जाम दीजिए, आपके सपने पूरे होंगे। माई सेल्फ हरिंद सिंह परियार, अगर बात अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।